बेस्ट एवर लैपटॉप्स जो कि हम 45,000 के बजट के अंदर बाय कर सकते हैं। देखो आज के इस वीडियो के अंदर ना एक तो हम प्रोसेसर के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि 2024 के अंदर ना हमने कोई भी पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर नहीं लेना। एंड दूसरी चीज है ब्रांड प्रेफरेंस। मैं आपको हर एक लैपटॉप के अंदर लाइक 12 जनरेशन का अगर मैंने आपको एसर का लैपटॉप बताया ना तो उसी सेम प्रोसेसर के साथ अगर आपको असूस या फिर डेल का लैपटॉप चाहिए तो वो सारी ऑप्शन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आपको सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर ना लैपटॉप का जो भी ब्रांड अच्छा लगता है आप उसे बाय कर सकते हो। एंड देखो अगर इंटेल की बात करें ना तो हमने कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं बाय करना जो कि हमें 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ मिलेगा। सिर्फ एक लैपटॉप आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर जो कि हमने 11 जनरेशन वाला बाय करना है, वो गेमिंग लैपटॉप है। उसके अंदर हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है एंड 45,000 के बजट के अंदर ना सिर्फ अपने पास वही एक ऑप्शन है जिसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है एचपी का लैपटॉप HP 15S लैपटॉप। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 45,000 रुपीस। प्लास्टिक की बॉडी बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। अब ये लैपटॉप है i3 के 12 जनरेशन प्रोसेसर वाला, 1215U प्रोसेसर दिया गया है, 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला, 8GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की FHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के USD ग्राफिक्स हैं, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया 2021, अराउंड 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा हमें इसके अंदर। एंड पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। एंड ये लैपटॉप ना रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 50% बैटरी सिर्फ 45 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। बढ़िया लैपटॉप है, इस बजट का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है ये वाला, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। एक तो आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है एंड रैम भी एक्सपेंडेबल है, गो फॉर इट। अब सीन कुछ ऐसा है कि ये सेम लैपटॉप आपको दो और ऑप्शंस के अंदर मिल जाता है। एचपी का ही लैपटॉप है 14S एंड असूस का लैपटॉप है व्यूबुक 14 लैपटॉप। इन तीनों के अंदर ना किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है सिवाय डिस्प्ले साइज के। जो एचपी 15S लैपटॉप है वो हमें मिलता है 15.6 इंच के डिस्प्ले साइज में एंड जो बाकी दोनों लैपटॉप्स है ना उसके अंदर हमें 14 इंच की FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट तीनों लैपटॉप कंप्लीटली सेम है, आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप आ गया एसर का, एसर एस्पायर 5 लैपटॉप। 41,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, टॉप लिड एल्यूमिनियम की मिल जाती है। एंड देखो इसका जो प्रोसेसर है ना वो हमें दिया गया 1315U, जो अभी अभी हमने इसे पहले लैपटॉप देखा ना उसके अंदर हमें 1215U प्रोसेसर दिया गया था। ये उसका सक्सेसर प्रोसेसर है 13 जनरेशन का 1315U, मतलब कि नया मॉडल है, इसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी। कंपैरिजन आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर सकते हो, टॉप लेवल की परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड एक और चीज है कि i5 का जो 11 जनरेशन प्रोसेसर है ना, पुरानी जनरेशन वाला 1135G7, उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो कई यूजर्स का ना ये मानना होता है कि 40,000 के बजट के अंदर हमें i5 प्रोसेसर मिल रहा है, चाहे पुरानी जनरेशन का हमें उसे बाय करना चाहिए, तो वो पॉइंट बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। 8GB की रैम मिल जाती है, लेटेस्ट रैम है LPDDR5 विच इज एक्सपेंडेबल, साथ में 512GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एक चीज इस लैपटॉप की बहुत ही बढ़िया लगती है मुझे कि लैपटॉप का प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज, ये तीनों चीजें बिल्कुल ही लेटेस्ट है। 15.6 इंच की FHD डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 50 वाट आवर्स की बैटरी एंड 65 वाट का अडैप्टर दिया गया, 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, 2 USB टाइप ए, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करो। सेम लैपटॉप आपको असूस का भी मिल जाएगा, असूस व्यूबुक 15 लैपटॉप। दोनों के अंदर एक दो एडिशनल फीचर्स का फर्क है, लाइक असूस का लैपटॉप हमें बैकलिट कीबोर्ड, 180° हिंज एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ मिल रहा है, बट प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज, ये तीनों चीजें कंप्लीटली सेम है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज असूस व्यूबुक 15 लैपटॉप, टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप मैं इसे कह सकता हूँ। 40,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। सबसे पहले इसका प्रोसेसर चेक करते हैं। देखो i3 का 1220p प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का 10 कोर 12 थ्रेड्स। एंड अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो दोनों प्रोसेसर देखे हैं ना उन सबके कंपैरिजन में ये प्रोसेसर सबसे बढ़िया है। 1215U से भी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है, 1315U से भी। और इसी बजट के अंदर जो राइजन का वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर है ना, राइजन 550 500U, ये उससे भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देता है। नो डाउट के 40,000 के बजट के अंदर आपको पी सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, एकदम ही टॉप लेवल की परफॉर्मेंस हमें मिल जाएगी। अब इस लैपटॉप के ऊपर ना हम एक्चुअल में काम क्या क्या कर सकते हैं, देखो कोडिंग अगर आपने करनी है, ओकेशनल गेमिंग करना चाहते हो, ऑफिस के काम हो गए, ऑटोकैड जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, मीडिया कंजम्पशन करनी है, ये सारे काम इस लैपटॉप के ऊपर इजीली हो जाते हैं। 8GB की रैम है DDR4 3200MHz वाली, एक्सपेंडेबल है 24GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, FHD IPS लेवल डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा लैपटॉप में, 42 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45
वॉट का अडैप्टर दिया गया। 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप, बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड, साथ में प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया। 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती है। बढ़िया लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज Acer Aspire 3 लैपटॉप। लेटेस्ट प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाता है एंड इस ब्रांड का ये अकेला ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर हमें i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे ना वो सभी i3 है 12th या फिर 13th जनरेशन का, बट इसके अंदर हमें i5 का 12th 35U प्रोसेसर दिया गया है, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला, एंड वो भी सिर्फ 45,000 के प्राइस पॉइंट पे। सारे स्कोर्स आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, इसके स्कोर्स को चेक कर सकते हो, Geekbench हो गया, Cinebench एंड पास मार्क्स। एंड एक और बहुत ही बढ़िया चीज है इस लैपटॉप की कि इसके अंदर हमें डबल रैम मिल रही है, 16 GB की रैम मिल रही है DDR4 3200 MHz वाली प्री इंस्टॉल्ड, एंड आफ्टर दैट इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है, 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। साथ में 512 GB की SSD मिल जाती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की FHD डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में, 220 nits की ब्राइटनेस एंड 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के RS ग्राफिक्स हो गए, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 41 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 45 वॉट का अडेप्टर, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पोर्ट्स को चेक करें तो 3 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 Ethernet, 2.1 HDMI मिल जाती है एंड साथ में 3.5mm जैक। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो, हाईली रिकमेंडेड आप सभी के लिए। बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर के साथ आपको Asus और Dell का लैपटॉप भी मिल जाएगा, Asus Vivobook 15 एंड Dell Vostro 3420। तीनों लैपटॉप के अंदर ना किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, एक दो माइनर चीजों का फर्क है एडिशनल फीचर्स का, उससे लैपटॉप की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, गो फॉर इट। अब बात करते हैं इस ब्रांड के सबसे पावरफुल प्रोफेशनल लैपटॉप की, Asus Vivobook 16X लैपटॉप। देखो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 50,000 रुपए, नॉर्मली लैपटॉप 47-46,000 के बजट में आपको इजीली मिल जाता है। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, सबसे पहले इसके अंदर हमें 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है उसकी डिस्प्ले। राइजन 5 प्रोसेसर है 5600H, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। देखो इस ब्रांड के अंदर हमें जो राइजन के प्रोसेसर बाकी मिल जाते हैं ना वो है राइजन 5 4600H, 5500U एंड 7520U। इन सभी के कंपैरिजन में ना जो 5600H की परफॉर्मेंस है वो सबसे बढ़िया है, स्कोर्स आपके सामने है। अब चाहे आप इसके ऊपर हैवी कोडिंग करना चाहते हो या फिर आपने थोड़े बहुत प्रोफेशनल हैवी लेवल के काम करने है ना, वो सारी चीजें इसके ऊपर इजीली हो जाती है। 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, एक्सपेंडेबल है 24 GB तक, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16 inches की डिस्प्ले मिल जाती है, IPS लेवल, FHD प्लस, WHD एंटी क्लियर, 300 nits की ब्राइटनेस है, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स मिल जाती है लैपटॉप में, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड 3.5mm जैक। इसके एडिशनल फीचर्स की बात करें ना तो बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। मतलब ऑल इन ऑल आई वुड से कि 50,000 के बजट के अंदर आपको जो भी एक मैक्सिमम फीचर्स वाला प्रोफेशनल लैपटॉप मिल सकता है ना वो यही वाला है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। देखो प्रोफेशनल लैपटॉप हमने बहुत से चेक कर लिए, अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की, Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। करंटली इसका प्राइस 50,000 रुपए चल रहा है, बट नॉर्मली लैपटॉप ये भी आपको 46-47,000 के बजट के अंदर इजीली मिल जाता है। देखो इसके अंदर ना आपको i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है 11300H। इस लैपटॉप को कवर करने का ना एक सबसे मेजर रीजन है कि एक तो आपको गेमिंग प्रोसेसर दिया गया एंड दूसरा इस ब्रांड के अंदर आपको दूसरा कोई लैपटॉप नहीं मिलता जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया हो गेमिंग प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर थोड़ा पुराना है आई नो, बट अपने पास इस ब्रांड के अंदर दूसरी कोई ऑप्शन भी नहीं है। i5 का 11300H प्रोसेसर दिया गया, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला, सारे स्कोर्स आपके सामने, 3D Mark, PC Mark, Geekbench, आप वीडियो पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर लो। देखो इसी ब्रांड के अंदर आपको एक और दूसरा लैपटॉप मिलता है जिसके अंदर आपको राइजन का 4600H प्रोसेसर दिया गया, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा पुराना प्रोसेसर हो जाएगा, वो हमने बाय नहीं करना। लैपटॉप के अंदर हमें 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, 512 GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। देखो इसके अंदर ना हमें सबसे पहले मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज सर्टिफाइड। ऑलरेडी Lenovo ने इस लैपटॉप के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है, 11-12 तरह के टेस्ट होते हैं डिफरेंट जो कि इस लैपटॉप के ऊपर हो चुके हैं, जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम ही सर्टिफाइड है, मतलब कि इसकी जो लाइफ है ना वो नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रहेगी। आफ्टर दैट प्राइवेसी प्रोटेक्शन विद ई कैमरा शटर, बैकलिट कीबोर्ड, 4 Zone White, 15.6 inches की FHD IPS एंटीग्रेड डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 nits की ब्राइटनेस, NVIDIA GeForce GTX 1650 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 4 GB का GDDR6 क्यूडा कोर 1024S के, एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है, वीडियो पॉज करो इसके स्कोर्स को चेक कर लो। MS Office ट्रायल वर्जन में मिल जाएगा हमें 2021, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड साथ में 3.5mm
जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर अपने पास यही वाला ऑप्शन है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। सभी लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो जितने भी लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए ना, सभी के सभी लैपटॉप एकदम दी बेस्ट है। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो, जो भी लैपटॉप आपको बढ़िया लगे, जो भी प्रोफेशनल लैपटॉप है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उनमें से चूज कर लो। एंड गेमिंग लैपटॉप आइडियापैड गेमिंग 3 आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।